हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं सहायता टेक यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो फाइबर सोल डिवाइस है उसमें SSID मतलब जो यूजर नेम है वाईफाई का और पासवर्ड वो कैसे चेंज करते हैं वो बताने वाला हूँ। साथ ही बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि जो मैक एड्रेस है उसको कैसे ब्लॉक करना है, मतलब कि कोई अगर आपके वाईफाई पे कोई और ऐसा व्यक्ति कनेक्ट हो गया जिसको आप नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्ट हो तो उसको कैसे ब्लॉक करना है वो भी मैं बताऊंगा। और साथ ही इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसमें कि हम सिर्फ ये अलाउ कर सकते हैं कि जो जो डिवाइस को मैंने अलाउ किया है, जिसका मैक मैंने अलाउ किया है, सिर्फ वो ही चले, मतलब इसके अलावा और कोई भी कनेक्ट करता है तो उस पर वो कनेक्ट ही नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आपको जो डिवाइस है उसको वाईफाई पे कनेक्ट कर लेना है, या फिर आप अगर लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो आप लैन केबल के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे IP एड्रेस सर्च करेंगे 192.168.1.1, तो ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे जो यूजर नेम है इसका वो है सुपर एडमिन, और पासवर्ड है, मैं लिख के बता देता हूँ, FIBSMALL@123456। तो यूजर नेम जो होगा वो सुपर एडमिन होगा और पासवर्ड होगा FIBSMALL@123456। और यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा कोड। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते टाइम हमें यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड हम करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसको चेंज नहीं करूँगा तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाता है। तो अगर आपके डिवाइस में ये सिंगल बैंड डिवाइस आप अगर आप यूज कर रहे हैं और यहाँ पे V1.9.0.23.1.2.0.3 इससे नीचे या कुछ और चेंजेस हो तो इसका मतलब आपका जो डिवाइस है उसका सॉफ्टवेयर रिलीज आ गया है, तो आपको अपडेट करवा लेना चाहिए। मैं जल्द ही उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप सपोर्ट टीम में कॉल करके इसका फर्मवेयर अपडेट करवा सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मेरे को वाईफाई के बारे में समझाना है, तो उसके लिए हम WLAN पे क्लिक करेंगे। और एक और खास बात, अगर आप यूजर हैं तो जो वैन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कुछ भी चेंजेस ना करें, इससे आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा और आपका ISP ही उस केस में हेल्प कर सकता है, हम हेल्प नहीं कर सकते। तो WLAN पे क्लिक करने के बाद SSID है, तो यहाँ से जो SSID है मतलब जो वाईफाई का यूजर नेम है जो डिस्प्ले होता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद आपको अप्लाई चेंज पे क्लिक करना होगा, और जो इसका पासवर्ड है वो यहाँ से आप प्री शेयर्ड की से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड अपना देखना भी है तो सो पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड देख सकते हैं, और चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज करके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना होगा। तो अभी हम इसमें करने वाले हैं जो ऑथेंटिकेशन कंट्रोल है, मतलब किसी को ब्लॉक और अनब्लॉक करना है तो वो कैसे करें। तो हमें बेसिक सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ एसोसिएटेड क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे। तो मैं इस पर अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डिवाइस कनेक्ट हो गया है, यहाँ रिफ्रेश करने के बाद तो ये मैक एड्रेस आ गया इसका। तो ये मैक एड्रेस मुझे यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ एक्सेस कंट्रोल पर जाऊँगा, तो यहाँ मैक एड्रेस एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से हमें मैक एड्रेस डालना है, तो इसके बीच में जो कॉलन है वो हटाना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और कॉलन हटा देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। और यहाँ जो मोड है उसको मुझे करना है डीनालिस्ट, तो डीनालिस्टेड करके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी जो है ये हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है कि वाईफाई आपका ना डिसकनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो जाता है जब आप ये चेंज करते हैं वाईफाई पे कनेक्ट होकर। तो आपको ये करना है और दोबारा वाईफाई पे कनेक्ट हो जाना है, और यहाँ पे मैं इसमें जो मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, और अब देखते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये वाईफाई पे अब कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है, और मुझे अनब्लॉक करना है। तो अनब्लॉक करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना होगा,
अभी मैंने डिलीट कर दिया और दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ये दोबारा से वापस कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप किसी का भी मैक एड्रेस ब्लॉक कर सकते हैं और अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर एक और फंक्शन है अलाउ लिस्ट। तो अलाउ लिस्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले मैक एड्रेस फिल करना होगा, क्योंकि अगर मैं अलाउ लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो जो भी है हमारी वो ही अलाउ होगी और कोई दूसरी अलाउ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अभी लैन से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं वाईफाई से होता तो डिसकनेक्ट हो जाता। तो अभी जो अलाउ लिस्ट है उसमें सिर्फ ये ही डिवाइस कनेक्ट होगा। अगर मैं किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करूंगा, इस पर पासवर्ड चाहे उसके पास होगी, तो वो कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमने अलाउ लिस्ट किया है वो आ गया। तो इस तरीके से आप अलाउ लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं और मैक को कैसे अनब्लॉक और ब्लॉक करना है ये भी आपने देखा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।